वसपुरा खान के कले में मैंने तुम्हें देखा था, क्या छुपा रही हो तुम हमसे? आपको मेरा यकीन नहीं और आपको लगता है कि मैं गद्दार हूं तो मेरा गला काट सकते हैं। गद्दार कहलाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। तुम किन ख्यालात में खोए हुए हो बेटा? मेरे जहन में कोई गुत्थी है जो उलझती जा रही है अकनाय खातून। जब तक मैं सुलझा ना लूं उसे, मुझे चैन नहीं आएगा। तो बताओ मुझे, क्या चीज तुम्हें उलझा रही है? अक्षय खातून, वसपुरा खान में मैंने देखा था उसे। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारी आंखों ने तुम्हारे दिल में शक पैदा किया है तो तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते? पूछा था उससे मैंने, उसने कहा तुम्हें धोखा हुआ है। क्या मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं? बाज़ वक्त धोखा हो जाता है, बाज़ औक़ात इंसान वही देखता है जो वो खुद देखने की ख्वाहिश रखता है। अगर कोई ऐसा हो जो खास तौर पर आपके दिल में दाखिल होकर दिल के तख्त पर बैठ जाए तो हर किसी का चेहरा उसके चेहरे जैसा नजर आता है। वो हवा की तरह चलता और फूलों की तरह हर तरफ महकता हुआ महसूस होता है। आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन दिल से गलती नहीं हो सकती। अगर तुम इंसानों के मामले में कभी इन दोनों के बीच फंस जाओ तो हमेशा दिल की मानना। शायद कालीन आ गए, देखती हूँ जैसे चाहती थी वैसे आए हैं या नहीं। क्या मतलब है इसका बाबा? आप तो कहते थे इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में अल पर सलान को मारने से सलजूक तबाह हो जाएंगे? तुम समझ नहीं रही हो मारिया। क्या आपने इसलिए मेरी परवरिश की थी? क्या इतनी मेहनत एक सरदार को कत्ल करने के लिए थी? और अगर मैं अल पर सलान को कत्ल कर दूं तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में अपने दर्द और जज्बात को हमारे अजीम मकसद के रास्ते में मत आने दीजिए बाबा। ना सिर्फ अल पर सलान, हम तमाम सलजूकों को तबाह कर देंगे। तुम सही कहती हो, सही कहती हो, माफ करना मुझे। मेरे दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए सिर्फ अल परसलान का खून काफी नहीं होगा। मैं उस सरजमीन पर मौजूद हर एक तुर्क का खून पीऊंगा।